या कना बदो व या कनस्ताइन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले अभी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं। मैं चाहता हूं ये आप वीडियो गौर से देखें, क्योंकि जब मैं घर से हफ्ते की सुबह को यहां से निकला था तो मैं बुशरा बेगम खुदा हाफिज कह के निकला था। मुझे इल्म था कि या मैं जेल में जाऊंगा और या मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने फैसला किया था कि ये ना कोई कहे कि इमरान खान अदालत में पेश होने से डरता है, और मैंने वादा किया हुआ था कि हफ्ते को मैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने आप को, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे से हुआ, जिस तरह मेरे से इस फैशिस्ट, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो मेरे से किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी से नहीं किया गया। एक आदमी अपने आप को पेश करने आ रहा है अदालत के सामने, और इन्होंने इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से सारा मोटरवे बंद कर दिया, एक लेन रखी कि सिर्फ इमरान खान अकेला इसकी गाड़ी निकले ताकि पीछे से जो भी थे 40-50 गाड़ियां थी वो वहीं रुक जाए। वो वहां रुकी और फिर उधर से मैं जब आगे गया तो जो रास्ते में रुकावटें आती गई, लोग पीछे से काटते गए ताकि इमरान खान के साथ कोई लोग ना हो, आखिर करते करते 4.5 घंटे मुझे लगे टोल प्लाजा से लेके पहुंचने तक, वो जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उसके पहुंचने से पहले कोई वजह नहीं थी, एकदम टेयर गैस शेलिंग हो गई। एक हम देख रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, मैं पेशी देने जा रहा हूं, लोग साथ, और लोग पता नहीं किधर से आए। मैं ये भी आपको बता दूं, हमारे कारकुन भी बड़े कम थे, लोग आम पता नहीं कहां से इर्द गिर्द से लोग आए, वो साथ चलना शुरू हो गए, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग हुई। ये भी हमने मौजजा देखा कि जैसी टेयर गैस शेलिंग हुई, तेज हवा चली हुई, वो उस तरफ चली गई हवा जिधर के पुलिस शेल कर रही थी। ये भी अल्लाह का मौजजा मैंने देखा। और फिर आगे गए, फिर शेलिंग हो गई, फिर पत्थर मारे गए, वहां इंतजार होना था, इश्तियाल डलवाया गया। आखिर में मैं पहुंचा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पे, 40 मिनट में वहां खड़ा रहा, उधर से ऊपर से पत्थर मार रही थी पुलिस, टेयर गैस शेलिंग कर रही थी। यानी एक आदमी अपने आप को लेके जा रहा है जुडिशियल अपने मैजिस्ट्रेट के सामने, यहां पूरी पुलिस 3 जगह से जमान पार्क पे हमला हो रहा है कि जी ये मुझे उधर लेके जा रहे हैं, जो मैं पहले कह रहा हूं मैं जा रहा हूं, और वहां पहुंच रहा हूं, सारा रास्ता रुकावटें, और जब वहां पहुंचता हूं 40 मिनट में बाहर खड़ा हूं, ऊपर से पथराव भी हो रहा है, शेल्स भी हो रहे हैं। और जब मैं अंदर जाता हूं, ये मैं कल भी बता चुका हूं लेकिन मैं आपको एक नई चीज आज बताना चाहता हूं, जब मैं दरवाजे के अंदर जाता हूं तो जो वो मैं सीन देखता हूं, पुलिस ही पुलिस भरी हुई है, लेकिन सिर्फ पुलिस नहीं भरी हुई, रेंजर्स भी हैं। यानी मैं तो अपने आप को पेशी पे जा रहा हूं, पुलिस, रेंजर्स, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, वहां नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में, और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया, तो तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर, क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था, ये सिर्फ जेल, जेल तो मैं सोचा था कि मैं जेल में चला जाऊंगा, उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। फिर हमने गाड़ी निकाली, तो मैं ही आज आपके सामने ये थोड़ी सी ये वीडियो देखें, जरा गौर करें इस वीडियो पे कि उस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे वकील थे उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए, किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे, इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया। मैं चाहता हूं कि मेरे चीफ जस्टिस
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लीज ये भी आप गौर से देखें, हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक आदमी कानून की बालादस्ती के लिए यहां से निकलता है, रुकावटें रोकता रोकता कोई भी होता वापस चला जाता, उसके बावजूद वो सिर्फ ये बताना चाहता था, पता होते कि इन्होंने मुझे जेल में डालना है, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी नजर आ गई। रास्ते इतनी पुलिस एफसी तो मैंने कभी देखी नहीं है एक आदमी के लिए। अब जब अंदर जब जाते हैं तो जो वहां सीन्स हैं, मैं ये चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर से देखें, आपको पता चले आज इस मुल्क में हो क्या रहा है। जरा ये मैं ये जरा प्लीज टेप चला के देखें। बाजी वाली बात दिन से ले गए, बाद में लगा कि खाली गाड़ियां हैं। 2:50 हो चुके हैं और ये सूरत हाल है, पोजीशन संभाली हुई हैं पुलिस ने और ये कुछ नामालूम अफराद भी हैं, इनका नहीं पता ये किस इदारे से हैं, ये कौन है। ये देखें ये नामालूम अफराद हैं और क्योंकि इनके एड्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन है, किस इदारे से हैं, क्या हैं। आगे भी पुलिस ने ये पोजीशनें ली हुई हैं। ये वो रोड है जिससे आना है इमरान खान ने, ये देखें, और मुख्तलिफ उसमें लेंस में है। और ये देखें इस गेट से अंदर भी पुलिस और दीगर इदारों के लोग हैं, इस गेट के अंदर भी। बाजी वाली बात दिन से ले गए, बाद में लगा कि खाली गाड़ियां। चीफ जस्टिस साहब मैं आपको इसलिए मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। कोई कानून नहीं है इस बारे, किसी किस्म का इस वक्त कोई अदब नहीं है इस मुल्क की आईन का, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल देंगे, जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाजे हैं, ये जो मर्जी कर लें ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर लें। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है मुझे क्यों इस तरह की अपेयरेंसेज करने देते हैं। जब जिस आदमी ने मुझे गोलियां मारी वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है, मैं जब निकलता हूं बाहर पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं, तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैं क्या मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ये बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी। जब मैंने उस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और उन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे उन्होंने तो जो वहां पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या था। चीफ जस्टिस साहब मैं ये प्लान बड़ी देर का, 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पर मुझे कत्ल करना था, 1.5 महीने से मैं लगा हुआ था, किसी ने परवाह नहीं की, वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है, और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इनको पता है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा, इनको पता है कि मुझे गोलियां लगने से पहले सब अदालतों में मैं जा रहा था, और इनको पता है कि उसके बाद भी मैं अदालतों में गया हूं, लेकिन मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जब कहीं मैं जाता हूं हर किस्म कोई भी उस वक्त वारदात करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन जो यहां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हुआ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वकीलों को भी बाहर निकाल दिया, थोड़े से लोगों को अंदर जाने दिया, गिनती के लोग थे वहां, पुलिस रेंजर्स भरे हुए थे, नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे, ये 20 लोग इनकी शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे मुझे पता है ये कौन लोग थे, और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है। और मैं
अल्लाह ने बचाया मुझे, वो नाम मुझे बताता और जो नाम मैं सीन देखता मेरे, मुझे तो आंखों में नजर आ गया कि ये करने क्या जा रहे हैं। जब मैं अदालत में एंटर कर रहा हूं, पुलिस ने चार्ज कर दिया, ऊपर से वो ईंटे मार रहे हैं, इश्तियाल दे रहे हैं, इंतशार फैला के उसके अंदर इन्होंने मुझे कत्ल करना था कि जी देखें इंतशार में ये कत्ल हो गया। ये जो लोग 20 गए हैं इनसे पूछें कि इनका मकसद क्या था दर जाने का, इनका मकसद मुझे कत्ल करने का था। तो मैं बड़े आदत से कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, ये जितने भी मेरे ऊपर केसेस हैं एक केस भी जेन्युइन नहीं है। ये केसेस सिर्फ मुझे अदालतों में यहां से निकाल के कत्ल करने के लिए, इन्होंने अगर मुझे जेल में भी डाला उधर भी ये कत्ल करेंगे, क्योंकि जो ये बैठे हुए हैं लोग, ये जाति मफादात, यहां अरबों रुपया है, मुल्क से बाहर भी पड़ा हुआ है, यहां आगे इनको पैसा नजर आ रहा है, मुल्क का दिवालिया निकल गया, ये पैसे बनाने के चक्कर में है। इनको खतरा ये है कि इमरान खान आ गया तो ये जो हमने इतनी मेहनत से पैसे चोरी किए हैं और जो हमारे बाहर पैसे पड़े हैं और आगे बनने हैं, वो जाया वो होने नहीं देगा। ये अपने मफादात के लिए ये करने जा रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान में किस किस्म का इंतशार फैलेगा उसके बाद, इनको कोई फिक्र नहीं है कि दुश्मन भी वो नहीं करना चाहता इस मुल्क से, नहीं करेगा जो ये करना चाहते हैं। अभी तक दुश्मन भी वो नहीं कर सकता था जो जब से इन चोरों को हमारे ऊपर एक एक्स आर्मी चीफ ने मुसलत किया है, वो दुश्मन भी इतना रिजल्ट नहीं ले सकता था जो आज पाकिस्तान की तबाही की है। अब ये जो अगला फेज है, इमरान खान को कत्ल करने का जो फेज है, इनको फिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इन्होंने बाहर भाग जाना है, इन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना। मुल्क में जब इंतशार आएगा, इनका कोई स्टेक नहीं है, इनको पता है इंतशार आएगा। नवाज शरीफ ने कहा जी महीना लगेगा तो लोग ठीक हो जाएंगे। अगर महीने में मुल्क की तबाही हो गई तो आप उस नवाज शरीफ को क्या फर्क पड़ेगा, डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, सारा टबर बाहर वैसे ही है, बिजनेसेस बाहर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वजरदारी की भी सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, होटल इसने लिए हुए बेनामी, ऑफशोर अकाउंट्स पड़े हैं इनके, इनको तो डॉलर में पाकिस्तान का रुपया गिरे मुल्क तबाह हो इनका क्या स्टेक है। स्टेक हमारा है, हमारी तरह के लोगों का जिनका जीना मरना इस मुल्क पे है। ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, वो सारों को आज समझना चाहिए कि ये जा किधर रहा है मुल्क। यानी ये मुझे मारने के लिए इसलिए तैयार हुए हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाना है, मुल्क की फिक्र नहीं है। तो मैं अदब से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं मजबूर हूं रिक्वेस्ट करने के लिए, आप अगर ये फिल्म देख लें मुझे ये बताएं कि जब वकीलों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये कौन सी वीआईपीज थे जिनको अंदर जाने दिया, और शक्लें देखें इनकी, क्या ये कोई वकील थे, क्या इनका कोई लीगल बैकग्राउंड है। इनका मुझे पता है क्या बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड है जो कि वजीराबाद में पूरा प्लान करके मुझे मारने की कोशिश की गई। तो मैं आज आपसे पहली चीज तो ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप मुझे ये घर से बाहर मैं निकलता हूं, आप मेरी जान खतरे में होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरी जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी थी वो भी इन्होंने, ये जो मोहसिन नकवी से घटिया आदमी, ये क्रिमिनल आदमी है, इससे पहले पूछे इसके पास पैसा कितना था, आज अरबोपति बन गया, किधर से पैसा है, जरदारी का बेटा क्या होगा। ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा, इलेक्शन करवाने नहीं आए, ये खत्म करने आए हैं पीटीआई को या इमरान खान को। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है, जो मेरे लोग हैं उनको ये रोक लेते हैं जो थोड़े से हैं, और वो तो नहीं सिक्योर कर सकते जिस तरह की थ्रेट है, तो मेहरबानी करके मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में करवाएं। जितने केसेस हैं मैं एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह मुझे एक्सपोज ना करें। और ये बाल बाल मेरी जान बची है, ये मैं इतने बड़े ट्रैप के अंदर ये मुझे लेके जा रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उधर से जल्दी से वो आया और उसने कहा निकलो यहां से, ये तो कुछ और गेम बनी हुई है, यहां ये जेल की नहीं है, जेल से आके की। तो इसलिए एक तो मैंने ये बात करी, दूसरा कल से हमारे सारे सीनियर ऑफिस बेरर्स जो हैं पार्टी के, सबके घरों के अंदर अटैक्स हो रहे हैं।
जमशेद चीमा और मुसरत उनकी बीवी, उनके घर 3 बजे पुलिस आती है रात के, 2 घंटे उनके घर बैठी रहती है, चीजें तोड़ देती है। क्या उनका जुर्म किया, कौन सी, किस तरह आए उसे किसी के घर के अंदर, जिस तरह मेरे घर में आके सारी चीजें चोरी करके ले गए, उनके घर से भी चीजें चोरी करके ले गए। ये है पुलिस का आज इमेज, जो इस ये जो आईजी है और ये जो सीएम है ये जो कर रहे हैं, बदनाम पुलिस हो रही है, वजह इनकी है, डरा धमका रहे हैं। हर जितने भी सीरियस हैं उनके बाहर पुलिस खड़ी थी, रात पुलिस पहुंच गई डराने के लिए, धमकाने के लिए। हसन न्याजी वो बेल लेता है इस्लामाबाद से एंटी टेररिज्म की, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी, वो बेल लेके बाहर निकलता है, वीगम है, उसको उठा के ले जाते हैं, एबडक्ट करके ले जाते हैं, कौन से कानून के तहत। अली अमीन यहां से जा रहा होता है कल रात वापस, चेक पॉइंट पर उसकी गोलियों, पूरी पुलिस खड़ी होती, गोलियां चल जाती है उसकी गाड़ी के ऊपर, और फिर वही कि पहले उसके ऊपर गोली और पुलिस कहती है जी हमें इसने गोलियां चलाई हैं, वो जिस तरह उसको जिले शाह को जिस तरह बेदर्दी से तशद्दुद करके मारा बेचारे को गया और मर्डर केस मेरे पर डाल दिया, वो यहां से कोई गैर कानूनी तौर पर मेरे घर के दरवाजे तोड़ के यहां घुसे, और यहां के जी क्लैशनिकोव्स मिल गई हैं तो उनको पता नहीं क्या मिल गया, और पता नहीं कोई प्लास्टिक बोतल के अंदर पेट्रोल बम मिला है। ये इनको जिस तरह अल्लाह इनके झूठ एक्सपोज करता है, यानी इनको शर्म भी नहीं है कि इस तरह की चीजें मेरे घर पर डाल दी, बजाय गैर कानूनी मुजरिम पेशा लोग इस घर में आके सब कुछ तोड़, बेचारे कमजोर से नौजवानों नौकरों को उठा के ले गए, नौकरों को मारा इन्होंने, वो बेचारा खनसामा सफीर, वो बेचारा सूखा साथ, उसको डंडे मार के उठा के ले गए, ये कौन सा कानून है। सारी जगह जिधर से हम सुनते हैं कि जी कोई बाहर आ गए, या पंजाब में तो इन्होंने पूरी एक हरासा फैलाया हुआ, इनसे फैसला किया कि हमने मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना है, अब पता चले जी कल अदालत फैसला करेगी, हमें कहा कि हां बुध को आप कर सकते हैं, अब कल पे चला गया, अब वहां पूरा स्टेज सेटअप करना है सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरह इनका कैंपेन भी रोकी जाए, ये इलेक्शन ना कर सके, इनके लोग भाग जाएं, सीनियर लोगों को डरा दें। तो पहले तो मैं अपनी अदलिया देखें, हमें होप सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया से, हमारी ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करें। लेकिन मैं आज से सारे हम इन सब सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया लोगों पर, हम सारे सबूत इकट्ठे करके ये सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को आज हम भिजवा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को अप्रोच कर रहे हैं, मैं सारे जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैप्टर्स हैं आप सारे वहां जाके पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं मुकामी सबको बताएं कि ह्यूमन राइट्स जिस तरह की वायलेशंस आज पाकिस्तान में हो रही हैं इसकी कोई मिसाल नहीं। हमारी जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है, किसी को आए इनकी फिक्र नहीं है। अभी तक जो इलेक्शन करवाना था, मुझे बताएं 30 अप्रैल को इलेक्शन है, तो यहां तो कोई इलेक्शन की फजा ही नहीं बनने दे रहा है। पहले हमारी रैलीज के ऊपर अटैक कर दिया जो पहली दिन थी, उसके ऊपर उन्होंने जिस जिले शाह बेचारा शहीद हुआ, कितने वर्कर्स को मारा, और अब फिर जो जलसा करना था अपने उसके ऊपर वो परमिशन नहीं दे रहा है। तो यहां तो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, आइन का कत्ल हो रहा है। हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से मैं कह रहा हूं आज अप्रोच करेंगे, फॉरेन कैपिटल्स को अप्रोच करेंगे, अपने पीटीआई के जो चैप्टर्स हैं दुनिया के अंदर उनके जरिए, और उसके अलावा हम अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस आपके सामने जो वायलेशंस हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, कोई यहां कानून नहीं रह गया, जंगल का कानून है, माइट इज राइट, उसके मुताबिक इस वक्त यहां हर किस्म का हरासा खौफ फैलाया जा रहा है। उसके बाद एक और कोशिश क्या हो रही है कि यहां हमारे एक तकसीम करने की कोशिश हो रही है। पहले तो जो यहां हमारे वर्कर्स पश्तून जो भी हमारे साथ आए हुए थे उनको तालिबान डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि जी ये कोई दहशतगर्द है, उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की है, इंतशार फैला रहे हैं।
कि सारे हमारे रिएक्ट कर रहे हैं जितने पश्तून हैं। किसी को अभी कहा कि जी दीर में एक तालिबान यहां पहुंचा हुआ था, उसकी दीर से स्टेटमेंट आई है कि मैं ना तालिबान थी, मैं उधर दीर में बैठा हूं, मैं कभी जबान पाक ही नहीं गया। इस तरह की चीजें हो रही है, डिस इंफॉर्मेशन। इनकी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं और हम दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं और ये जो झूठों की मलका है उसकी तरफ से ये बार बार आ रहा है, क्योंकि वो तो ऐसे फिर रही है जैसे पाकिस्तान उसकी कोई जागीर है, कोई कानून से वो ऊपर है, वो हुक्म कर रही है कि ये करो, उसको पकड़ो, उसको माफ कर दो, मेरा बाप नेल्सन मंडेला है, उसके सारे केसेस खत्म कर दो। यानी उसको तो कोई इशू ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कोई आईन और कानून भी है। ये जो तकसीम करने की कोशिश है, इंतशार फैलाने की कोशिश है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे किसी ना किसी तरह इलेक्शन में से निकलना है। अगर किसी पार्टी, कोई पार्टी इस मुल्क में आज इंतशार नहीं चाहती, वो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं। जो इलेक्शन चाहेगा वो क्यों मुल्क के अंदर इंतशार चाहेगा? जो सारे रास्ते में कल सैटरडे को इस्लामाबाद जो हमारे ऊपर उन्होंने किया, जिस तरह के रबर बुलेट्स और ये जो टेयर गैसें की, जब कोई कुछ नहीं कर रहा था, पुरअमन चले जा रहे थे, इश्तियाल फैलाने की कोशिश है, किसी तरह इंतशार फैले, लोगों को जोश आए, वो वापस रिटेलिएट करें। कोशिश सिर्फ ये है, यहां भी आके ये जो इन्होंने घर पे किया है, द्वार तोड़ दी, दरवाजा तोड़ दिया, चीजें लूट के ले गए, क्या इससे को लोग जो देख रहे थे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी? सारों को गुस्सा तो है। मैं बार बार लोगों कहता जा रहा हूं कि हमने किसी किस्म की वायलेंस में नहीं, हमने किसी किस्म का हथियार नहीं उठाना, हमने कभी कोशिश करनी है कि हम पुरमन रहे। क्यों? क्योंकि हम तो इलेक्शन चाह रहे हैं, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वाजे करना चाहता हूं, पहले ये जो इंतजार की बात है ये मैं क्लियर कर दूं, तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं चाहता, वो इलेक्शन चाहता है, वो इस मुल्क में तसादम नहीं चाहता। और दूसरी चीज जो तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमेशा ये जो जाति मफादात के लिए पॉलिटिशियंस आते हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि इंसानों को तकसीम करके, नफरतें फैला के, और फिर हम वोट इकट्ठे करें। ये बड़ा पुराना तरीका है, ये जो आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने किया, क्या किया? इंसानों को तकसीम कर दिया, उसने हिंदू नेशनलिज्म को उठा दिया कि आप बहुत कोई अजीम कौम है, बाकी की वजह से आप हम ऊपर नहीं जा सके, तो वो सारा नफरतें फैला के उसकी पावर बढ़ गई है। यही कराची में किया गया था, इंतशार फैला के, डिवाइड करके कि जी बड़ा जुल्म है, बाकी जो बाकी कौमें रहती थी या कराची में उनके खिलाफ नफरत फैला दी, कराची तबाह हो गया। आज भी यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह वोट लेने के लिए मुल्क तकसीम हो, अगर लड़ाए कि पंजाबी पठान को या किसी को किसी के साथ, सिर्फ ये कोशिश है, जबकि मुल्क की जरूरत है कि हम सब इकट्ठे होके एक कौम बन के, इतना बड़ा क्राइसिस है, मुल्क को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया, हम सब मिलके इसमें से निकलें। और आखिर में एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए, यह भी पीडीएम की पूरी कोशिश है। क्योंकि वो फिर से मैं इलेक्शन तो ये अब जीत ही नहीं सकते, जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते, लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाजे कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके, मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। और जो आदमी इस मुल्क में पता हो कि उसकी जान खतरे में, उसके बावजूद वो जाता है इस्लामाबाद की अदालत में, पता था कि 1.5 महीने से मैं कह रहा था कि मुझे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मेरे ऊपर वारदात करेंगे, उसके बावजूद मैं जाता था, सारे अपने जो लॉन्ग मार्च में खुले पब्लिक में जाता था, मौत का खौफ नहीं है उसको, उसको अपने मुल्क का खौफ है। इस वक्त मुझे डर यह है कि ये जो लोग जिनके सिर्फ जाति इंटरेस्ट है, ये सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है,
इस मुल्क को तबाह करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है कि एक फेडरल पार्टी जो मुल्क को इकट्ठा कर सकती है उसके सरबराह को कत्ल कर दो। यह कोशिश है और यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फौज को वरगलाएं हमारे खिलाफ कि जी देखें वो कर दिया सोशल मीडिया पे, ये कर दिया सोशल मीडिया को समझ ले सब, किसी का कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया पे। जब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो चला वो सारे ट्विटर के रिकॉर्ड टूट गए। क्या हमारे पास इतने लोग हैं कि इतनी ज्यादा हम ट्वीट कर सकते थे? ये पब्लिक का, ये पब्लिक की दिल की आवाज थी। जो सोशल मीडिया है ये सबसे बड़ा एक डेमोक्रेसी का एक नई चीज आ गई है। जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज आ गई है। जिस जो ये नहीं समझता वो कहेगी जी इसके कहने पे कर रहा है, कोई किसी के कहने पे कुछ कर सकता है? लोग अपनी अब आवाज बुलंद कर सकते हैं, लोग बुरा भला कह सकते हैं। और जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी उनको तो खौफ ही अब कोई नहीं है, उनको तो कोई पकड़ नहीं सकती या FIA आके और रात को बंद करके उनको कमरों में मारे, वो तो बोल सकते हैं। तो ये आवाज सुने लोगों की, बजाय ये कि जी तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है, कोई गलत काम कर रही है। वो अंग्रेजी में लव्स है स्मेल द कॉफी, देखे किधर जा रहा है मुल्क, लोगों लोग किधर जा रहे हैं। और ये मनारे पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जलसा ना हो। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आज चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी पब्लिक निकलेगी मनारे पाकिस्तान, आपको पता चल जाएगा कि कौम खड़ी किधर है। आपको लोगों की, लोग अब जो भी रुकावटें करेंगे वो आएंगे लोग, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं मुल्क से क्या हो रहा है। लोग बेवकूफ नहीं है। जो समझता है कि पब्लिक जानवर है, भेड़ बकरी है, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। एब्राहम लिंकन की एक सबसे बड़ी सही है, बड़ा दानश्वर था, प्रेसिडेंट भी था। उसने कहा आप थोड़ी देर के लिए सारी कौम को बेवकूफ बना सकते हैं और सारा वक्त थोड़े से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त सारी कौम को आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। और ऊपर से सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज्यादा शऊर है जो कभी इन सारी तारीख में कभी नहीं था। तो मैं फिर से कहता हूं मुल्क की खातिर ये जो रास्ते पे निकल गए हैं, खुदा के वास्ते होश करें, ये जो हरकतें कर रहे हैं ये इस मुल्क की तबाही का रास्ता है। इसका सिर्फ, फिर से मैं कहता हूं, हम कोई चीज डिमांड नहीं कर रहे, किसी की मदद नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन लेके आए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उसके बाद माशी स्टेबिलिटी आए, माशियत को उठाएं उसके बाद। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई आज इस जो माशियत तेजी से जमीन में घुसी चुकी है, और शर्मनाक बात यह है कि सेनेट में खड़ा होकर इसहाक डार कहता है कि जी IMF ने हमें कहा कि कोई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करो, या जो मैंने मिसाइल प्रोग्राम को, यानी इससे खतरनाक बात क्या है? मैंने बल्कि तकरीबन 10 महीने पहले मैंने एक बात कही, मैंने कहा जब एक कौम का दिवालिया निकल जाता है तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर कौम का दिवालिया निकलेगा तो उसका अगला मसला ये होगा कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होंगे, जो हमारे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डिसार्म किया जाए। और मुझे लग रहा है कि ये उसी तरफ ये अब बातचीत शुरू होगी कि जी हमारा दिवालिया निकल गया, अब IMF तब मदद करेगी अगर हम ये करें, यानी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसलिए मैं आखिर में फिर से अपने चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि ये जो मेरे से हुआ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, ये मुझे मारने की साजिश थी, ये ट्रैप था। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ये नामालूम अफराद कौन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्लान इनका क्या था। जेल में नहीं था, जेल भी प्लान था, लेकिन मारने का प्लान था। और इसी तरह अगर मुझे एक्सपोज करते रहेंगे तो ये ज्यादा देर नहीं है, कभी 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 ना कभी तो ये कामयाब हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा इसका कि अगर जो मुझे मेरे ऊपर कत्ल किया, गोलियां चलाई, उसका तो हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, वो तो अदालत में नहीं जाता। और मेरा जिसने मारने की कोशिश की वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर, उसको लेके जा रहे हैं, सारा वक्त इतने सफर कर रहा है, पब्लिक में एक्सपोज्ड है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा
कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर लें, मुझे कोई चीज छुपाने की ना, मैं आज तक किसी अदालत से घबराता हूं ना, मेरी कोई कमर में दर्द होगी, मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। और फिर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि एक वो करें, और एक ये जो ह्यूमन राइट्स, जिस तरह हमारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा आईन और हमारा सुप्रीम कोर्ट है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।